श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सबको भक्तजनों को जन्माष्टमी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि की कृपा सब पर बनी रहे। तो खीरे के बिना भी अधूरा है जन्माष्टमी का त्यौहार। खीरे पर मैं तो खीरे पर अपने कान्हा जी का जन्म प्रादुर्भाव करती हूँ। खीरा लेती हूँ और मतलब शाम की पूजा करके 9 और 10 के बीच में एक बड़ी सी टोकरी लेती हूँ और उसको फूलों से फूल बिछा देती हूँ टोकरी पे। और खीरा लेती हूँ, डट्ठल वाला जिसकी हम नाल समझते हैं उसको, तो टोकरी में रख करके और अपने कान्हा जी को, अपने लड्डू को, अपने लाला को निर्वस्त्र करके, कोई वस्त्र नहीं धारण करवाना है तो उसमें टोकरी में खीरा रख के साथ में अपने लड्डू को भी सुला देना होता है। अगर खीरा बड़ा है तो उस खीरे को बीच से काट करके अपने कान्हा को उसके बीच में भी सुला सकते हैं। ऐसा भाव बना के कान्हा जी अपने गर्भगृह में हैं, अपने गर्भ गुफा में हैं, ऐसा भाव बनाते हैं। फिर सुला करके उसको फूलों से ढाँप देना उस टोकरी को। फिर जैसे ही 12 बजते हैं, 12 बजे कान्हा जी का जन्म होता है, जैसे ही 12 बजते हैं ऐसा भाव बना कि कान्हा जी का जन्म हुआ है, तो उस गर्भ गृह से इस कान्हा जी को निकालते हैं, मतलब अपने लड्डू को निकालते हैं, फूलों को उठाते हैं, खीरा उठाते हैं, खीरा के जो नाल, उसको नाल समझते, कैसा भाव बनाते कि नाल है, उसको पैसे से काटते हैं, ऐसे कर पैसे से काटते हैं, चाकू का यूज नहीं करते हैं, पैसे से काटते हैं। फिर कान्हा जी को उठाते हैं, कान्हा जी को गोदी में निर्वस्त्र होते हैं, ऐसा भाव ना कि कान्हा जी हैं, कान्हा जी ने जन्म लिया है, और अपनी गोदी में उठाते हैं कान्हा जी को, भावभूत कान्हा प्रभु जी ने जन्म लिया है। फिर ले करके फिर कान्हा जी को, अपने लाला जी को थाली में बिठा करके पंच अमृत का स्नान करवाइए, पंच अमृत से स्नान करवाते हैं, फिर उन्हें सुंदर सी ड्रेस पहनाते हैं, फिर ड्रेस पहन करके उनको सजाइए, उनका श्रृंगार कीजिए अपने लाला जी का, और फिर उनको 56 भोग दीजिए, खूब घंटियां बजाइए, शंख बजाइए, कीर्तन कीजिए, कान्हा जी का जन्म हुआ है, आपको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं सबको कान्हा जी की, कान्हा जी के जन्मदिन पर सबको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, सबका त्यौहार मंगलमय रहे, कान्हा जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।